वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना, यू आर वाचिंग रंजना ओरा। सो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका ये ज्वेलरी कलेक्शन के पार्ट टू में। गाइज, जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन जरूर देख लें, जिन्होंने मेरी प्रीवियस ज्वेलरी कलेक्शन नहीं देखी है वो उसे भी जरूर देख लें। वैसे गाइज, आप लोग बहुत 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 ज्यादा पसंद करते हैं ज्वेलरी कलेक्शन, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो नाउ आप शुरू करते हैं गाइज माय ज्वेलरी कलेक्शन का पार्ट टू। अच्छा गाइज, मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करती हूँ, बट अगर आप चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 गाइज, सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली रंजना ओरा का हिस्सा बन जाइए। एंड अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो गाइज, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा देखने के लिए। नाउ गाइज, शुरू करते हैं ज्वेलरी कलेक्शन का आइटम नंबर वन। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने बैंगल्स। इन तीनों ही बॉक्सेस में मेरे बैंगल्स हैं, कुछ गाइस चूड़ियों वाले बैंगल्स हैं एंड कुछ सिंगल सिंगल वाले पीस हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ बॉक्स नंबर वन, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाइस इस तरह का कुछ मीना के वर्क वाला बैंगल है। ये गाइस ना बहुत अमेजिंग है, ये आपके पूरे लुक को कंप्लीट करता है। इसमें थोड़ी सी शाइन भी है एंड ये जो है ना मैट फिनिश अलॉन्ग विद शाइन वाला इसकी कटिंग है, जैसे कटिंग देते हैं ना तो उस पर शाइन आती है, तो ये ना बहुत ही अच्छे से शाइन भी करता है जब इस तरह से ये टर्न वगैरह होता है। और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, ये गाइस कहीं पे फंसता वस्ता नहीं है, इसलिए मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हाँ, क्या होता है ना कि हम ज्वेलरी पहनते हैं और जब पूरे सारी चीजें पहनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है, तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो। बट इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं ना वो ना आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स भी रखते हैं और साथ ही साथ ये आपके पूरे लुक को कंप्लीट करते हैं। एंड ये वाला जो बैंगल है गाइस, ये मुझे याद है कि ये मुझे मेरी सासू मम्मी ने दिया था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था मैरिज के बाद में। तो ये है गाइस मेरी मुंह दिखाई, ठीक है। तो ये है मेरा पहला आइटम, या कह लीजिए गाइस ये मेरा पहला बैंगल है। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वन। सो गाइस, नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग बैंगल एंड देखिए ये कितना रिच लुक का है। इसमें भी सेम ही वर्क है गाइस, ये थोड़ा सा हैवी है एंड इसमें भी मीना का वर्क है एंड ये कड़े वाले डिजाइन का है। ये गाइस मुझे मेरे मायके की तरफ से मिला था एंड दैट टाइम गाइस ये था अप्रॉक्स 80,000 का, मीन्स जब सोना आपका शायद 30 के भी अंदर था एंड दिस टाइम तो गाइस 56, 57, 58 चल रहा है। तो इसका जो प्राइस था उस समय ही और इस समय तो ये 1.5 लाख के आसपास ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये है गाइस एंड मेकिंग चार्ज इस पर बहुत कम था, फिर भी ये इतना कॉस्टली था। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरह का ये बैंगल है। ये सिंगल सिंगल, वही मैंने बताया ना, चूड़ियों के आगे या चूड़ियों के बीच में पहन सकते हैं या लास्ट में भी आप पहन सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह वाले जो बैंगल्स होते हैं उनको पीछे लगाते हैं। ये गाइस सिंगल सिंगल ही पीस है एंड इसको मैं सिंपली भी कभी ना कभी कभी पहनती हूँ, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पहनने का मन नहीं है। बट गोल्ड ज्वेलरी मैंने डाली हुई है नेक में एंड ईयरिंग्स मैंने पहनी हुई है गोल्ड की, तो मैं कुछ इस तरह के सिंगल बैंगल डालती हूँ। कभी कभी मैं दोनों नहीं पहनती हूँ, एक ही पहनती हूँ, एक में वॉच एंड एक में इस तरह का कड़ा, तो वो ना पूरा आपका जो लुक होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। कभी इस तरह से भी आप पहन के देखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंड बात करें मजबूती की तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, 3.5 सालों में ये टस से मस नहीं हुआ है। एंड लुक गाइस, मैं इसको पास से भी आपको दिखाती हूँ इसके डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी सी, ये किस तरह के लुक में है। एंड इसका जो मीना का वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये है गाइस मेरा वो नेक्स्ट बैंगल। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना थर्ड पीस। तो आई होप कि आपने इस बैंगल को पसंद किया होगा, क्योंकि मेरी पूरी ज्वेलरी में ना ये वाला बैंगल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नाउ गाइस, अब मैं दिखाती हूँ अपना थर्ड पीस। तो वो थर्ड पीस है गाइस ये ब्यूटीफुल से बैंगल्स, ये मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। सबसे पहली बात तो ये चूड़ी वाले बैंगल्स है, इनको आगे पीछे करके पहना जाता है एंड नेक्स्ट थिंग द डिजाइन बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगती है मुझे इसके डिजाइन। एंड अगेन गाइस, मेरे पास जितने बैंगल्स है ना कोई भी इस तरह के डिजाइन के नहीं है जो फंसे वगैरह, तो मुझे इसलिए ये बैंगल बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इसको तो मैंने शादी के बाद इतना ज्यादा पहना है, मतलब कि 5-6 महीने तो मैंने इसको उतारा भी नहीं है, मतलब 5 मिनट के भी मैंने इसको नहीं उतारा है। एंड इसके लिए अभी भी बहुत सुंदर है, इनको जब भी टाइम मुझे मिलता है किसी भी शादी पार्टी में अगर मैं जाती हूँ तो मैं इसको जरूर डाल लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली गाइज, जो इस तरह की ज्वेलरी होती है ना वो हम अपने घर की शादियों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
तो इस तरह के ओकेजन मुझे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए पहले तो बहुत ज़्यादा मैं पहनती थी, बट इस समय इसको मैंने नहीं पहना है। बीच में भाई की शादी थी तो उसमें मैंने इसको निकाला था, दैट टाइम मैंने इसको पहना था। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये वाली जो चूड़ी वाले बैंगल्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे 1,20,000 में, आपको 4 मिल जाएंगे। वेट पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट गाइज जो मेरे हाथ में है, मैं अप्रॉक्स उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि करंट प्राइस में अगर आप लेना चाहेंगे तो इतने में आपको मिल जाएंगे ये चूड़ी वाले बैंगल्स, ठीक है। तो ये है गाइज मेरा नेक्स्ट आइटम। नाउ अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये तो था बैंगल्स, बैंगल्स का आइटम हुआ वन। बैंगल्स में मैंने आपको तीन तरह के दिखाए, दो सिंगल सिंगल वाले दिखाए एंड चार जूड़ी बैंगल्स दिखाए। नाउ गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि होने वाली है मेरी नथ। सो ये गाइस मेरी ब्यूटीफुल सी नथ एंड लुक, ये मुझे कितनी सुंदर लगती है। एक्चुअली ना मुझे जो नथ हो छोटी वाली होती है उसके कंपैरिजन में इस तरह की नथ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हालांकि गाइज ये जो चीज़ें होती है ना, इसका इसको वन टाइम ही पहन सकते हैं या कोई किसी स्पेशल ओकेजन में ही आप पहन सकते हैं, एंड उसके बाद तो इसका कोई मतलब नहीं होता। बट मुझे अपनी ये जो नथ है ना, ये बहुत सुंदर लगती है। लग इस पे वाइट मोती का वर्क है, कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल डिजाइन है इसकी गाइज। मुझे ना उस समय जिस टाइम पे मेरी शादी होने वाली थी, उस टाइम मुझे इस तरह की नथ इतनी अट्रैक्ट करती थी कि मैंने अपने लिए स्पेशली इस तरह की नथ को बोला था कि नहीं मुझे इस तरह की नथ बाय करनी है। हालांकि हमारे यहाँ नथ का इतना कोई वो नहीं है, रिवाज नहीं है कि नहीं, नथ जानी ही है, बट स्टिल कहते हैं। ये मुझे मेरे मायके वाले की तरफ से नथ मिली थी, ससुराल वालों की तरफ से नथ नहीं थी। तो ये है गाइस मेरी ब्यूटीफुल सी नथ, और इसमें लर लगी हुई है जो कि गाइस व्हाइट कलर के मोती की है, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, बट ये है गाइस वो मेरी ब्यूटीफुल सी नथ, आप मैं दिखाती हूँ। अच्छा बात करते हैं प्राइस की, तो गाइज ये आपको करंट, अगर मैं इसका प्राइस आपको बताऊँ, तो ये आपको मिलेगी 50,000 के आसपास, ठीक है। इस तरह का जो वर्क है, एक्चुअल में गाइज इसमें मोती वगैरह का जो प्राइस होता है ना, वो भी आपका कंसीडर होता है, बट जब आप चेंज करते हो तो ये सारी चीज़ें डिडक्ट होती हैं। बेकिंग चार्जेस इस तरह की नथ की थोड़ी सी ज़्यादा है, करीब 28% इसका मेकिंग चार्ज है। सो ये था गाइज मेरी मतलब मेरी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन का आइटम नंबर 2। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। एंड गाइज ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टूटे टूटेगा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटेड भी है और थोड़ा सा मजबूत भी है। तो ये था गाइज मेरा नेक्स्ट आइटम, अब बढ़ते हैं आइटम नंबर 3 की तरफ। सो गाइज आइटम नंबर 3 है मेरी सारी चेन्स, जिनको वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई एम सो सॉरी गाइज, पार्ट 3 भी मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग भी बोर होंगे। तो अब शुरू करते हैं गाइज वन बाय वन, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक को आपको दिखाने में और बताने में। तो नाउ शुरू करते हैं अपने पहली चेन से। इन सभी बॉक्सेस में गाइज चेन है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सबसे खूबसूरत आइटम की तरफ, जो कि है गाइज ये ब्यूटीफुल सी चेन। सो ये है गाइज वो ब्यूटीफुल सी, इट्स नॉट चेन, इट्स अ मंगलसूत्र चेन, ठीक है। तो ये है गाइज वो मेरा ब्यूटीफुल सा मंगलसूत्र जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है। ये गाइज मुझे अपने शादी के 1.5 साल बाद उन्होंने मुझे दिलाया था, एंड इट्स अ टू कॉस्टली कहते गिफ्ट जो कि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से मिला था। ये है गाइज अलग से लिया था, पहले एक बार में गेयर बाय किया मैंने, एंड नेक्स्ट टाइम में मैंने चेन बाय की है। तो ये काफ़ी कॉस्टली है, तो इसका प्राइस भी मैं अभी नहीं बताऊंगी। काफ़ी कॉस्टली मतलब इतना नहीं कि करोड़ों में है, मतलब कि ये जो पेंडेंट है यही 60,000 के आसपास का है, एंड उसके बाद गाइज जो चेन है वो 90 के आसपास की है, ठीक है। तो मैं लमसम आपको प्राइस बता रही हूँ। तो ये जो मंगलसूत्र है गाइज, ओवरऑल ये काफ़ी वेटेड भी है एक्चुअली में, एक्चुअली गाइज ये काफ़ी वेटेड भी है, एंड ये पूरा गोल्ड के उससे है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, प्राइसी है। तो ये है गाइज मेरा वो नेक्स्ट मंगलसूत्र, नेक्स्ट आइटम जो कि है एक ब्यूटीफुल सा मंगलसूत्र। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आइटम। मेरा ये नेक्स्ट आइटम ये मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। रीज़न इज़ कि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरी फर्स्ट नाइट के दिन मुझे दिया था, एंड इसमें जो डिज़ाइन है गाइज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए इस पे इस तरह के डिज़ाइन है, देन अगेन दूसरी डिज़ाइन है, एंड जैसे जैसे आप इसको टर्न करेंगे हर एक डिज़ाइन चेंज होती जाएगी, और इसमें ये
घुंघरू टाइप के नीचे लगे हुए हैं एंड ये मंगलसूत्र टाइप का डिजाइन है, इट्स नॉट सिंपली चेन। इसमें आपने देखा होगा काली काली मोतियां भी हैं एंड ये देखिए बीच बीच में भी काली मोतियां हैं एंड ये जो चीज है ना इसके अंदर भी ब्लैक करके कुछ है, मतलब मीना है या मोती के साथ में है, ये चीज कहते हैं। तो ये इट्स नॉट अ चेन, इट्स अगेन अ मंगलसूत्र। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ इस तरह का मंगलसूत्र ही आता है एंड ये मुझे बट मेरी फर्स्ट नाइट के को मिला था। तो ये है गाइस मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब मेरा नेक्स्ट गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन का इन्वेंट्री। नाउ गाइस अब इट्स नॉट इन्वेंट्री, इट्स आइटम, ठीक है। तो ये था गाइस नेक्स्ट आइटम, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट चेन। सो ये है गाइस माय नेक्स्ट चेन। मैंने कुछ इस तरह की चेन आपको कल भी दिखाई थी। तो ये ना छोटी है, मतलब ये यहाँ तक है और वो यहाँ तक है। तो जब भी गाइस मुझे ऐसा होता है कि मतलब किसी भारी फंक्शन में जाना है तो मैं ना इसको भी पहन लेती हूँ और उसको भी पहन लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये एक साथ में था। बट गाइस ये अलग परचेज किया गया है, वो वाली अलग परचेज की गई है, बट दोनों ही आइटम गाइस तनिष्क का है। तो ये था गाइस मेरी नेक्स्ट चेन, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी चेन। गाइस जो नेक्स्ट चेन है वो है ये चेन बाकी चेन से काफी ज्यादा अलग है। रीजन इज कि देखिए गाइस इसकी शाइनी बताती है कि ये काफी अलग है। ये गाइस बैंकॉक गोल्ड है, ये मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में आई गेस ऐसे कुछ में मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। ये बहुत 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 ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल भी है क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना इसको बैंकॉक गोल्ड कहा जाता है एंड ये स्पेशल ऑर्डर पे आया था। इसमें देखिए बहुत खूबसूरत से डायमंड्स लगे हैं अलॉन्ग विद मोती डिज़ाइन। तो डेफिनेटली ये मोती गाइस रियल मोती, आई डोंट हैव आइडिया ठीक है कि इसमें रियल मोती है या क्या है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया था बट इसका वेट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ये कॉस्टली था जस्ट बिकॉज ऑफ बैंकॉक गोल्ड, ठीक है। तो ये गाइस कुछ इस तरह के डिज़ाइन का है एंड चेन इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि इसकी जो चेन है ना उसकी शाइन अभी तक कोई, मतलब इतना मैंने पहना है इसको, मैं रेगुलर बेसिस भी पहनती हूँ गाइस सूट वगैरह पे एंड मुझे जीन्स वगैरह पे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चेन क्योंकि ये बहुत छोटी सी है एंड बहुत लाइट वेटेड है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। और इसकी चेन की जो भी शाइन है ना वो अभी तक मतलब 19-20 भी नहीं हुई है। उसके बाद गाइस जो मेरी नेक्स्ट चेन है वो है ये जो चेन है ना इसको मैं एक पेंडेंट है उसके साथ में पहनती हूँ और उस पेंडेंट को कई सारी चेन के साथ में पहनती हूँ। तो मैंने एक ऐसा गोल सा पेंडेंट भी लिया हुआ है जिसको मैं इस तरह के सिंपल चेन पे जब भी मेरा मन होता है डेली पे भी एंड वैसे भी कहीं जाना वाना होता है। अभी ये जो चेन है वो थोड़ी सी न्यू है तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहना हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चेन है एंड डेली बेसिस के लिए इस तरह की चेन काफ़ी सही रहती है क्योंकि ये मजबूत भी होती है, शाइन भी देती है एंड नॉट डेली पर्पज़ के लिए ही आप वैसे भी पहन सकते हैं इसमें अच्छा सा कोई पेंडेंट वगैरह डाल के। तो जो मेरा नेक्स्ट चेन है वो है ये गाइज। बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही है वीडियो इसलिए मैं आज आपको एक दो चेन और दिखाने के बाद गाइज पार्ट थ्री के लिए बोलूँगी कि आई एम सो सॉरी, पार्ट टू में भी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट गाइज मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट थ्री जिसमें मैं आपको शेयर करूँगी अपनी सारी रिंग्स का कलेक्शन, इयररिंग्स का कलेक्शन एंड बालियाँ झुमकियाँ ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद गाइज अब मैं दिखाती हूँ अपनी आपको नेक्स्ट चेन। जो नेक्स्ट चेन है वो है गाइस ये ब्यूटीफुल सी अमेजिंग सी कैरेट लेन का आइटम है गाइस। ये इट्स अ डायमंड मंगलसूत्र, इसमें आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर बना हुआ है, उसके साथ में मंगलसूत्र के लिए मोतियां दी हुई हैं एंड ये गाइस डेली के लिए चाहे आप जीन्स पहनते हो या सूट पहनते हो ये दोनों पे ही मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड इसकी जो ब्यूटी है ना वो जैसे ही पहली बार में किसी की भी नज़र पड़ती है वो टिक जाती है नजर उसकी। तो ये गाइज वो नेक्स्ट चेन, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यू कैन नॉट बिलीव कि इसको मैंने लॉकडाउन में बाय किया था, उस दिन शायद अक्षय तृतीया थी तो उसमें मैंने गाइज इसको बाय किया था एंड ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था, अच्छा मिला है। एंड नेक्स्ट थिंग गाइज इस पर कुछ ऑफर भी मुझे मिला था कैरेट लेन से, ये मैंने बाय किया था, इस पर मुझे शायद 1,500 रुपीज़ का मुझे इस पर ऑफर मिला था। तो ये है गाइज वो नेक्स्ट चेन एंड अब गाइस मैं जो इन्वेंट्री है नॉट इन्वेंट्री गाइस जो मेरा कलेक्शन है उसको इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने ज्वेलरी कलेक्शन के पार्ट थ्री में।
तब तक के लिए गाइज एंजॉय कीजिए मेरे ज्वेलरी कलेक्शन की प्रीवियस वीडियोस एंड आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए या आपका कोई भी सजेशन हो तो उसको जरूर लिखा कीजिए। मुझे इस तरह की जब वीडियो होती है उन पर जब ढेर सारा आपका प्यार मिलता है ना तो मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे याद है गाइज मैंने पहला वीडियो अपना ज्वेलरी कलेक्शन ही डाला था जिसपे आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी अभी की ज्वेलरी कलेक्शन भी आपको पसंद आएगी एंड आगे की भी ज्वेलरी कलेक्शन आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए या कोई भी आपका सजेशन हो कमेंट हो जरूर लिखा कीजिए, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। मैं रंजा आपसे करती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।